हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आयत नयात इंटरप्राइजेस में। मेरा नाम है फ़हीम अंसारी। जैसे आप देख रहे हो, बाहर की ढोलपुरी है और हम लोग जो है हर कस्टमर लोगों को लगा करके देते हैं हमारे तरफ से। अभी मैं शमीम भाई का पोजीशन देने आया हूँ। 1 BHK का 3x3 की विंडो है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, और जैसे ग्रीन मार्बल का फ्रेम और ये इनका हॉल है। तो हॉल में हम लोग चले हैं। हॉल में जैसे 3 फीट की टाइल्स है, सामने का कलर, और फिर कलर देखो, ये 3 फीट की टाइल जो है हमारे कस्टमर जैसा चॉइस करते हैं वैसा हम लोग लगा करके देते हैं। ऊपर पीवीसी सीट है, और आपके सामने आपको दिख रहा होगा कितना खूबसूरत लग रहा है पीवीसी सीट। आप देख सकते हैं, चारों बाजू से दिखा देता हूँ मैं आपको। और ये हॉल की जो साइज़ है काफ़ी अच्छी साइज़ है, ताकि यहाँ पर लोग उठ बैठ सके। ठीक है, ये एरिया काफ़ी अच्छा स्पेस दिख रहा है आपको। यहाँ पर भी एक पॉइंट वगैरह हम लोग हमारे तरफ से जो पॉइंट वगैरह होता है, हम लोग वो सब पॉइंट वगैरह सब करके देते हैं। जैसे आप ये पॉइंट देख रहे हो, तो ये पॉइंट को भी हमने जैसे टीवी का पॉइंट हो गया है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग जो है आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये वाला जो है ये बड़ा बोर्ड है जो पूरे घर के अंदर यूज़ करने के लिए आता है। और फिर उसके बाद जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखो ये पॉलीकैप की वायरिंग है। ये पॉलीकैप की वायरिंग पूरे घर के अंदर हम लोग देते हैं। तो हम लोग जो है चलते हैं उनके बेडरूम के अंदर, जो कि उनका राइट साइड में बेडरूम है। तो ये बेडरूम के अंदर देख सकते हैं कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो हम लोग जो है कलर भी देख लेते हैं इसका, उसको उजाला करके। तो ये देखिए आपके सामने, हम लोगों के सामने आपको नज़र आ रहा होगा, देखो ये कलर का कॉम्बिनेशन है। ऊपर की टाइल्स है और फिर उसके बाद में ऊपर का जो है POP है। और फिर आपके सामने यहाँ पे बोर्ड है, वहाँ पे भी बोर्ड है। हमारे तरफ से जितना हो सकता है हम लोग फैसिलिटी देते हैं। ये टोटल के टोटल कंसील फिटिंग रहता है। और ऊपर भी एक बल्ब दिख रहा है आपको, वो भी एक बल्ब हम लोग हमारे तरफ से जो रहता है हम लोगों को पॉसिबल करके देते हैं। ठीक है, हमारे शमीम भाई ने ये रूम का डिज़ाइन अपने से बनवा के लिया है, जो कि किचन के ऊपर फुल टाइल्स हमारे तरफ से रहती है। ऊपर एडजस्टमेंट का पॉइंट है, 3x3 की विंडो सामने रहती है किचन के। किचन के नीचे जो स्पेस है आपकी, वो भी देख रहे हो, यहाँ पर भी एक पॉइंट दिया हुआ है। और हम लोग जो है आपको पूरा टाइल दिखाने के बाद आपके सामने दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आमने सामने टॉयलेट बाथरूम है। और जो ये सामने स्पेस आप देख रहे हो, ये वाला जो स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्पेस में आप जो है वॉश बेसिन वगैरह रख सकते हो। तो हम लोग जो है चलते हैं बाथरूम के अंदर। बाथरूम के अंदर आप देख रहे होंगे कितना ये टॉयलेट है। टॉयलेट के अंदर जो है आपके सामने फुल टाइल्स, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, फुल टाइल्स जो है आपके सामने। और हम लोग जो है पूरा टाइल्स वगैरह हर कस्टमर को वैसे ही फुल करके देते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक के। और ये है इनका बाथरूम। बाथरूम के अंदर भी जैसे आप देख रहे हो, फुल टाइल्स इसके अंदर भी करके दिया है हमने। और ये नीचे से लेके ऊपर तक के इसके अंदर भी फुल टाइल्स है, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। नल वगैरह लगाने की बाकी है, नल भी लग जाएगा जल्दी से जल्दी। इस पर कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया है शमीम भाई ने, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया है उन्होंने। तो आइए, जो है हमारे शमीम भाई सामने हैं, तो शमीम भाई से हम लोग बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको घर दिखाया हमारे शमीम भाई का, ये शमीम भाई का घर आपको कैसा लगा? तो हमारे साथ में ये शमीम भाई है। शमीम भाई हमारे साथ कभी से जुड़े, हमारे साथ में खुद बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम शमीम भाई। वालेकुम सलाम। माइक ऊपर ले लो। वालेकुम अस्सलाम जी। शमीम भाई कहाँ रहते हो? हम भाईखला रहते हैं। भाईखला में रहते हैं। आपके साथ कौन कौन आया है? हमारा लड़का है और हमारा दोस्त है। अच्छा, तो आपके लड़के का नाम क्या है? समबीर अंसारी। हाँ, समबीर अंसारी। समबीर, हाँ ठीक है। और उसका क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हाँ, जहांगीर। जहांगीर। तो जैसे हमारे शमीम भाई, इनका नाम शमीम है। शमीम पूरा नाम शमीम खान? समीम अंसारी। समीम अंसारी, समीम अंसारी इनका नाम है। जो ये रूम आपने देखा है, ये रूम टोटल 300 स्क्वायर फीट का 1 BHK का रूम है। समीम भाई हमारे से जो है 7,500 रुपया महीना भरते थे। 2018 की जो स्कीम थी हमारी, तब से जुड़े हुए थे। सही बात है समीम भाई? सही बात है। कितना रुपया महीना भरते थे आप? 7,500। तो आपका जो है आज पोजीशन जो हुआ, वो रूम पूरा जो है, जो कलर और जो टाइल्स, वो सब आपने चॉइस किया ये सब? हाँ, हमने चॉइस किया, पूरा आपने चॉइस किया एकदम। हाँ, तो जैसा आपने देखा रूम, कैसा लगा समीम भाई आपको? हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा? हाँ। ऐसा सीरियस लग रहे हो यार समीम भाई। नहीं, बहुत अच्छा लगा रूम। सही में अच्छा लगा? हाँ, क्या अच्छा लगा। अच्छा, ये 2018 से जो 7,500 रुपये आप मुझसे भरते हुए आ रहे थे, सही 7,500 रुपये भरते हुए आ रहे थे क्या? फिर क्या मैं बीच में ऐसे ही पैसा ज़्यादा मांगा आपसे? नहीं नहीं, पैसा बीच में ज़्यादा नहीं, मैं 7,500 से भरते ही आ रहे थे। हाँ, जब आपका 2 लाख रुपया इनका हुआ, तब जाके इनको पोजीशन मिला है। हाँ,
हाँ सही बात है। हाँ तो जो ये सिस्टम में से इनके सिस्टम से हम लोग जो है जो चलते आ रहे हैं, मैंने कहा कि जैसे जैसे जूने जूने जितने होते जाएंगे उतने जूने जूने होने के बाद में इनको जो है रूम सबको मिलता जाएगा। हाँ तो आपको भी जो रूम मिला है, मिला है तो हमारे थोड़े से सीरियस हो रहे हैं, इनको थोड़ा सा नर्वस फील हो रही है कि मतलब मैंने आपको कुछ सिखाया तो नहीं कि कैमरे के सामने बोलना है? नहीं नहीं कुछ नहीं सिखाया। कुछ नहीं सिखाया ना, ये सीरियस है ना? हाँ कुछ नहीं। घर आपको चाहिए क्या? नहीं चाहिए, चाहिए। ये अगर घर किसी और को चाहिए तो आप मुझे 2 लाख दे करके ये घर ले सकते हो जो मैंने आपको दिखाया। दे दूँ ना तुम्हारा घर, दे दूँ दूसरे को? तुम्हारा घर दूसरे को दे दूँ क्या? अब मैं क्या बताऊँ मतलब भाई को भरोसा नहीं है घर इनका है करके। देना चाहिए ना, घर तुम्हारा ही है ना, वो जो घर आपने देखा है वो घर आपका ही है एकदम से, जो चॉइस वगैरह आपने करवाया। अब उसमें रहने आने वाले हो या रेंट पे दे दोगे? देखिए अभी तो हम रहने आने के लिए इरादा में थे। अभी आपने मेरे पास जो स्कीम के अंदर लिखा है नाम 7,500 रुपये, आपके जाबिर भाई ने भी लिया है ना? जफीर भाई ने कितने स्क्वायर फीट का लिया है? 400 स्क्वायर फीट का जफीर भाई ने लिया है। उन्होंने भी ऐसे ही करके रूम लिया है ना, महीना महीना भर के? हाँ महीना भर के। उनका 2 BHK का रूम था, इनका 1 BHK का है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, इन्होंने स्टार्टिंग में कोई डाउन पेमेंट वगैरह मेरे को नहीं किया है। नहीं, ये सामने खड़े हैं, मैं इनसे वही पूछ रहा हूँ, आपने डाउन पेमेंट किया था मुझे? नहीं डाउन पेमेंट नहीं। कभी बुकिंग कराई थी आपने मेरे से? हमको तो बहुत दिन हो गया बुकिंग कराए हुए, 1,000 से पर्ची कटा हुआ था। 1,000 रुपये से पर्ची कटा था? हाँ। उसके बाद में रूम मिलने के बाद में 1,000 का महीने थी, 7,500 का महीना भरना था। हाँ। वो तीसरा बार में हमको रूम का नंबर आ गया। मतलब के हर महीने EMI भरना है तो हर महीने रूम, हम लोग ही पहले चलती थी लकी ड्रॉ वाली स्कीम भी चलती थी, तो हम लोग जो है 7,500 रुपये महीना भरने के बाद हम लोग ने सेट किया कि एक अमाउंट, क्योंकि हमारे पास स्कीम में मेंबर्स बढ़ते जा रहे थे है ना, बहुत सारे लोग बुकिंग करते जा रहे थे, तो हमने वो स्कीम ख़त्म करके फिर 2 लाख रुपये पे सेट किया कि जिसका 2 लाख रुपये होगा उसको जो है हम लोग पजेशन देते जाएंगे। तो जैसे समीम भाई का आज जो है 2 लाख रुपये अमाउंट पूरा हो गया, 2 लाख रुपये पूरा हो गया। अब ये रूम में रहने के लिए आएंगे, और कितने साल से रेंट पे रह रहे हो? रेंट पे रहते हो या खुद का घर है आपका? नहीं रेंट पे रहते हैं। रेंट पे रहते हो भाई कल्ला में ही? हाँ। कितना रेंट है आपका वहाँ पे? वहाँ तो 9,500। 9,500 रुपये रेंट जा रहा है आपका? कितने साल से रेंट पे हो? वहाँ तो 4 साल से। 4 साल से रेंट पे रह रहे हो, इसके पहले? इससे पहले तो दिल्ली में थे। दिल्ली में थे। हाँ। वहाँ पे भी रेंट पे थे? हाँ वहाँ भी, वहाँ तो भाड़े पर थे, किराए पे। किराए पे थे। हाँ। तो मतलब अप्रोक्स सब मिला के कितने साल रेंट पे हो अभी आप, सब जब मिला करके? सब मिला कर लगभग 20 साल से हम लोग रह रहे हैं बाहर में। जब से हम बाहर में आए लगभग हमको लगभग 20 साल हो गए। 20 साल हो चुका है। वही मुझे कहना था कि 20 साल से समीम भाई कितने सारे रूम चेंज कर चुके हो अनगिनत। बहुत सारा रूम चेंज हुआ है, जब सार चेंज हुआ है तो रूम भी तो चेंज होगा ही होगा, नहीं होने का कोई सवाल। बेटे को माइक दो जरा हमारे, वो थोड़ा सच बताएंगे, तुमने कुछ छुपाया ऐसा लग रहा है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? समीर अंसारी। समीर। तो समीर भाई अभी जो है, समीर जो है हमारे सामने है, समीर अभी मुझे बताओ कि रूम कैसा लगा जो अभी रूम बना है? रूम बड़े अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। पूरी डायरी की चॉइस है ये, एक एक टाइल्स भी आपसे चॉइस करवाया था ना? नहीं नहीं, अच्छा कलर बताया था। हाँ कलर बताए थे, बताए थे ना? हाँ कलर बताए। हाँ टाइल्स भी चॉइस करवाए थे। कैसा लगा घर? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा ना। रूम में रहने आएंगे? हाँ अभी तो नहीं रहने आएंगे, फिर रेंट पे दे देना है। यस। या अल्लाह, रेंट पे देना है अभी तो, फिर इसका पढ़ाई अच्छा तो रेंट पे देंगे ना। हाँ, तो बता देता हूँ ना दूसरों को, रेंट पे कल के कल चढ़ जाएगा पहले क्या? अभी उसमें और भी रहती है क्या? बोलो, चढ़ जाएगा रेडी। हाँ बत्ती लगाने के साथ लाइट, अरे वो लाइट तो लग जाएगा। दोस्तों ये रूम रेंट पे देना है, क्लियर बात है। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ, रेंट पे नहीं देने नहीं देने दे दिया रेंट पे दे दिया है रेंट पे दे दिया है नहीं दिया है। अच्छा तो दोस्तों अभी हमारे बहुत छुपा रहे समीम भाई, क्या तो भी इनके दिल में छुपा हुआ है, लेकिन कुछ छुपा हुआ है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं छुपा हुआ है। कुछ नहीं छुपा है ना? नहीं नहीं
तो फिर क्यों ऐसा, मतलब अधूरी अधूरी बात लग रही है मेरे को, क्या रूम रेंट पे देना है कि नहीं देना है? रूम अभी फिलहाल तो रेंट पे ही जाएगा। हाँ ठीक है, ये क्लियर हो गया। उधर मत ध्यान दो, उधर मत ध्यान दो, ये कुछ तो भी कसमकस चालू है। नहीं नहीं, अभी फिलहाल तो रेंट पे जाएगा। हाँ। उसके बाद में अपना इंतजाम करेगा। अच्छा हाँ, तो कितने टाइम के लिए रेंट पे जाएगा ये? इसका अभी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं, लेकिन रेंट पे जाएगा। हाँ फिलहाल एक नंबर, अभी क्लियर हो गया। फिलहाल के लिए अभी जाएगा रेंट पे। हाँ। उसके बाद में फिर अपन को टेंशन मत लो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, रेंट पे देना है तो देना है। तो ठीक है, तो हमारे जैसे घर अच्छा लगा, अच्छा लगा, जैसा बनना चाहता वैसा बना, वो बेडरूम किसका है, इनका के इनका इनका है क्या? अच्छा, तो यानी अभी बेडरूम नहीं कब्जा करने का है? नहीं करने का है अभी, जो भाड़े वाला बोल लेंगे कि हम। अच्छा, पहले भाड़े वाले को जाएगा, बाद में इनको जाएगा, है ना? तो ठीक है, चलेगा, चलो बहुत अच्छी बात है। और ये लीजिए माइक पकड़िए। अभी अभी खाली एक बात और समीम भाई से हम पूछेंगे। इन्होंने बहुत सारे जैसे कहा रूम चेंज किए, ताले चेंज किए, और अब इस वक्त जो है कुछ पढ़ाई का मसले की वजह से इस वक्त अभी ये रूम में जो है रहने नहीं जाएंगे, ये जो है रूम में रहने नहीं, रूम रेंट पे चढ़ाएंगे आपको जो है इस रूम को रेंट पे चढ़ाने के बाद। अब लेकिन फिर भी समीम भाई को जो है हम लोग जो है ताला चाबी जो हम लोग दे रहे हैं, ये ताला चाबी यानी खुद के घर के अंदर जो ताला मारने की जो फीलिंग्स होती है वो समीम भाई जानते हैं, और कितनी मुशक्क़त के बाद समीम भाई ने ये घर लिया है। लिया ना, मुशक्क़त लगी ना, मेहनत लगी ना, मेहनत लगी ना। हाँ मेहनत तो लगी है, बगैर मेहनत की हो तो कोई काम भी नहीं होता। हाँ है कि नहीं? हमारे पे बहुत भरोसा था, बगैर भरोसे का तो कोई काम नहीं था। हमको तो बहुत ही भरोसा था, और कुछ हो या ना हो हमको रूम आज न कल मिलना 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 लगता है, हमारे दिल में भी था जो पूरा हुआ है। 2018 से इन्होंने मेरे साथ जुड़ करके 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 खाली लॉकडाउन का जो टाइम था। हाँ। उस टाइम पे थोड़ा चुप हो गए थे, है ना? वही दिक्कत किया है, नहीं तो अभी तक तो हो, अभी तक हो जाता, क्लियर तो हो जाता, अभी तक क्लियर हो जाता। और हमारी तरफ से कुछ तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं है, खुल के बताओ। नहीं उधर उधर खुल के एकदम। नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं है। ला रहे चल खुल के बताओ एकदम, तकलीफ वकलीफ कुछ नहीं? नहीं नहीं कुछ तकलीफ नहीं है, इतनी तकलीफ है ना। यार सही में ले दरवाजा भी बंद है। कुछ बता, हमारे समीम भाई हमारे साथ जो है 2018 से जुड़े हैं, तो हमारे फैमिली मेम्बर से हो गए, और हम चाहते हैं कि जैसे समीम भाई का घर 20 साल के बाद जो बना है, तो ये 20 साल के बाद जो है हम इनको चाबी दे रहे हैं, 20 साल के बाद हम इनको चाबी दे रहे हैं। मतलब हमने इनका 20 साल तक के कुछ नहीं लिया, 20 साल के बाद इनका खुद का घर हुआ, तो अब इनका घर हमने बना करके दिया है, अब इनको हम चाबी दे रहे हैं। ये चाबी, ये ताला आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक। अब इस घर में आप रहो, रेंट पे दो, ये आपकी मर्ज़ी है। और भाभी को भी, भाभी को नहीं लाया इस बार? नहीं उसकी तबीयत खराब है, गांव में। गांव में हो? हाँ। भाभी को बताए घर वीडियो कॉल करके या फिर कुछ ऐसा करके? नहीं बताए नहीं, नहीं, अभी अच्छा नहीं। सरप्राइज देना है? सरप्राइज है, अभी किसी परेशानी में थे इसके लिए किसी का। तो भाभी को बताए कि नहीं बताए कि घर बन गया है? हाँ बता तो दिया, बता दिए ना पक्का? क्या दूसरा कोई है? नहीं 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 दूसरा कोई नहीं, अभी तक मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं। नहीं 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 ना बेटा बाजू में तो कह रहे थे। अच्छा नहीं थोड़े शर्म सर, अभी तक कुछ बोल ही नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, तो ये ताला चाबी आपको मुबारक हो। तो हमारे समीम भाई जो है इस वक्त हमारे लिए कुछ ले आए हैं, बहुत दूर से लाए हैं, और जैसे हाँ थैली में से निकाल दो, कोई इशू नहीं है। हमारे गांव से लाए क्या? नहीं ना, अभी कहाँ रह रहे हो इस वक्त? इस मदनपुरा में, मदनपुरा भाई कला में रह रहे हो। 9,500 रुपया रेंट दे रहे, अभी जो है कुछ समय रहने के बाद वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। कितने टाइम में शिफ्ट होंगे कुछ आइडिया? खोल दो इसको, खोलो 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 इसको खोलो, हम पहले इनका मुंह मीठा करेंगे, ऐसा नहीं छोड़ेंगे हम समीम भाई को, क्योंकि हमारे जूने कस्टमर हमारे साथ जुड़ने के बाद हमारा दिल बहुत खुश हो जाता है, जैसे समीम भाई के साथ हमारा दिल बहुत खुश है। गिर जाएगी, उल्टी उल्टी खोल दिए।
चलो कोई बात नहीं, हाँ बस पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हाँ बस बस बस। तो अभी हमारे शमीम भाई ने बहुत सारी मिठाई लाई है, तो ये अभी मैं आपको जो है बता रहा हूँ, देखते हैं शमीम भाई ने ये जो चीज़ इतनी मेहनत की है। शमीम भाई को हम जो है मुँह मीठा कराएंगे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और आपके दोस्त को भी बहुत बहुत मुबारक। आप क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। हमारे शमीम भाई जो है कुछ मीठा कराने की कोशिश में, देख रहे हैं कि कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। थोड़ा सा खिलाओ शमीम भाई, मैं नहीं तो फिर वो जाऊँगा, बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा बस। अबे हमारे शमीम भाई ने मुँह मीठा करवाया, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी दुआ कीजिए कि जो ये घर इन्होंने परचेस किया है, ये इनका घर इनके लिए कामयाबी निकले, कुछ भी परेशानी जो इनको आए उनकी परेशानी ख़त्म हो जाए, लाइफ टाइम इस घर के अंदर जो है वो हमेशा अपना कंटिन्यू EMI भरे, और इस घर के अंदर रहते रहते उनका जो है एक घर नहीं 10 घर और बन जाए। इंशाल्लाह। हाँ कुछ बोले ही नहीं आप, ऐसा ही भरते भरते इसके बाद जो है 10 घर और भर जाए। इंशाल्लाह 10 घर और बन जाए इंशाल्लाह। अच्छा कॉन्फिडेंट है ना अपने में कि 10 घर और बनाऊंगा? इरादा तो है, इरादा है ना। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 हैं लड़के? तीनों नहीं, 2 लड़के हैं। 2 लड़के, तो एक के लिए 1 BHK हो गया, दूसरे के लिए बाकी ऊपर के, ऊपर वाले जरूर देंगे। अच्छा दूसरे के लिए भी? हाँ दूसरे के लिए भी अल्लाह ताला देंगे वो भी। अच्छा तो उसके लिए करेंगे ना, लेकिन हाँ इंशाल्लाह करेंगे। वो बड़ा है छोटा है? छोटा। अच्छा यानी मतलब 13 हिस्सा ही है? नहीं देखो मुंडी हिला मुंडी हिला मेरा हिस्सा है। तो अभी जो है हमारे शमीम भाई ने हमारे साथ काफ़ी अर्थ निकालने के बाद, 3 साल पीरियड निकालने के बाद आज इनको घर मिला। ये एक भरोसेमंद हमारे साथ जो स्कीम चालू है, ये भरोसे वाली स्कीम है, जो कि लोग ने जुड़ जुड़ के जो है हमारे साथ पैसा जमा किया, घर बनाया, और घर बनने के बाद में अब इस घर के अंदर जो है वो रहने के लिए आए, और रहने के लिए आए और रह करके खुश रहे उसके अंदर। ऐसे ही घर बनाते रहे, हमारे साथ जुड़ते रहे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको अगर हमारे पास जुड़ना है तो आपको कोई बड़ा अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। 1 RK अगर आपको लेना है तो 1 RK के लिए 5,750 रुपया महीना भरना है। जब तक आपका 1.5 लाख रुपया नहीं हो जाता तब तक आपको पोजीशन नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका 1.5 लाख रुपया हो जाएगा उसके बाद आपको रूम बना करके दिया जाएगा, रूम बना करके आप रूम में रह सकते हो। और 1 BHK लेना चाहते हो तो 8,250 रुपये का EMI है। तुम कितने रुपये EMI भरते हो? 8। आठ? हाँ, तो हमारे शमीम भाई जो है बीच में कुछ ब्रेक करके 8,000 रुपये का EMI भर रहे, तो 8,250 रुपये का EMI 1 BHK के लिए 8,25,000 रुपये का रूम है। 2,25,000 रुपये होने के बाद आपको रूम का पोजीशन मिलेगा। और अगर आप 2 BHK लेना चाहते हो तो 10,750 रुपये से स्टार्ट करना है। जब तक आपका 3,25,000 नहीं हो जाता तब तक के आपको रूम का पोजीशन नहीं मिलता है। 3,25,000 हो जाता है फिर आपका रूम बनके रेडी हो जाता है, रूम में आप रहना चालू करो, रेंट पे दे दो, आपकी मर्जी है। 3 BHK भी है, आप नेरल में भी ले सकते हो, ओपन प्लॉट ले सकते हो। अगर आपको ये सब प्लॉट वगैरह नहीं लेना है, आपके पैसे हमारे पास जमा हुए हैं, आप चाहते हैं कि बिल्डिंग में हमारा कोई प्रोजेक्ट चालू है तो अपने पैसे वहाँ बिल्डिंग में भी मूव कर सकते हो, या चाहते हो कि अगर इसके बदले कोई ओपन प्लॉट मिल जाए तो भी आपको मिल सकता है। आप बेफिक्र रहो, आप कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हो, चाहे वो फार्म हाउस हो, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो फ्लैट हो। आप खाली एक बार हमारे साथ इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कीजिए, बाकी अपने पैसे आपको कहाँ मूव करने हैं वो आप डिसाइड कीजिए, वो आपकी पूंजी है। हम खाली आपके पैसे को सिक्योर करके आपकी जगह पे लगा करके आपको चीज़ देंगे। और कुछ कहना चाहोगे? जी नहीं, बहुत हो गया। तो चैनल को, अगर आप नए हो चैनल पे, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बेल बटन दबाए ताकि हमारे जो वीडियोस रहे नए नए वो आपको मिलते रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के अंदर कमेंट्स कीजिए कि कैसा घर लगा और क्या स्कीम चाहते हो, और कैसी स्कीम कुछ आइडियाज़ अगर आप देना चाहते हो तो कमेंट्स कर सकते हो। तो हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि जैसे समीर भाई तो कहाँ देख करके किए, समीर भाई कहाँ देखे थे आप लोग हमारे को? बनेली में? नहीं नहीं, आपने हमको कहाँ देखे थे? मोबाइल पे, फ़ोन पे देखे थे? नहीं, आपने यूट्यूब पे कहाँ देखे थे?
उस टाइम पे यूट्यूब भी देखे थे आपने के पर्चा पे आप किसी के साथ आए थे? नहीं नहीं हमने तो किसी किसी के साथ में आए थे लेकिन उसने देखे था पहले। अच्छा उन्होंने देखा? हाँ उन्होंने देखे थे। हाँ और उसके बाद में सब लोग इकट्ठा आए थे? इकट्ठा नहीं 22-24 आदमी आए थे। ओके तो ये पूरा ग्रुप आया था उस टाइम पे, मुझे नहीं लगा कि इन लोगों ने यूट्यूब पे देखा था, लेकिन जैसे इन लोग ने देखे थे तो एक साथ बहुत सारे लोगों ने जमा करके हमारे पास जो है आए थे और फिर उसके बाद में बुकिंग कराए थे। तो दोस्तों आप भी बुकिंग कराने में पीछे मत हटिए, जल्दी से जल्दी बुकिंग कीजिए और अपने रूम को बनाइए, अपने प्रॉपर्टी को बनाइए, पूंजी बनाइए, वह आपका बेनिफिट बनेगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।